ये करीब 700 ग्राम चिकन है, ठीक है। और इसको सौ हम ग्राम चिकन के बराबर लिए हमने काट लिया है प्याज, टमाटर और हरी बनाने में मिर्च। तो हम लोग हमने यूज लिया है आज करेंगे मसाले में नमक नमक, पहले, फिर जीरा, जीरा, लाल फिर लाल मिर्च, मिर्च, फिर धनिया, धनिया, फिर हमने लिया है तेल, तेल, देगा ये चिकन गरम को अच्छे से मसाला, तेल, फिर एवरेस्ट हल्दी गरम और मसाला एक और हल्दी, अदरक और एक चीज़ लहसुन और का लिया था, अदरक पेस्ट। लहसुन का पेस्ट। हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है, देख लीजिए, इसमें प्याज और टमाटर सब कुछ था। इसको फिर मैरिनेट करके डाल दिया चूल्हा पे। चूल्हा पे डालने के बाद आप देख रहे हैं ऐसा है। और अब इसको करेंगे हम लोग भूनने की तैयारी। तो अभी आप देख लीजिए, मैंने अभी शुरू नहीं किया है, फिर हमने भून लिया इसे। भूनने के बाद देखिए, अभी इस तरह से ये दिख रहा था, कमाल का दिख रहा था, बहुत टेस्टी दिख रहा था। चिकन सीज गया था बहुत पहले ही, लेकिन हमने फिर इसको थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा ग्रेवी भी रहे। और फिर जब पानी डाला, फिर इसे भूंजा, तो उसके बाद देखिए ये जब रेडी हो गया ना, तो दिल जीत लिया, क्योंकि इतना कमाल का बन गया। खाने में जो मज़ा आया भाई, क्या हम बोले, लाजवाब। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर लिए, सब्सक्राइब।